अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट गॉट रेडी इन अ फ्यू मिनट्स और उमर हमें लेके जा रहा है आज डिनर पे। वी आर गोइंग टू खैबर, आई एम नॉट श्योर इसका पूरा नाम क्या, खैबर डोडे, खैबर शिनवारी F7 में। और बहुत दिनों से मेरा अम्मा का दिल चाह रहा था कि हम काबुल जाएँ, उनके तिक्के बहुत मज़े के होते हैं एंड काबुली पुलाव और जबली कबाब भी। तो बस निकलते हैं उमर के साथ, फिर आपको दिखाते हैं। खैबर शिनवारी आ गए हैं, ये F7 में है, राइट बिहाइंड काबुल रेस्टोरेंट। कैसा लग रहा है अम्मा? ओपन एयर है, यहाँ पे बड़ी ठंड है, लेकिन शुक्र है मैंने मफलर और कोट पहन लिया है। यहाँ पे कोयले जल रहे हैं तो क्या मज़ा आ रहा है। कोयले नहीं है, कोयले हैं। क्या हीट आ रही है, सुकून मिल गया है, वरना बहुत ठंड है और आज हवा भी बहुत चल रही है। खाना ऑर्डर करो, जल्दी करो। ये है भाई इनका मेन्यू और इनका जो है लैम कढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है दुम्बे की, तो हम सोच रहे हैं कि कढ़ाई ऑर्डर करें साथ में सीख कबाब, नहीं चबली कबाब। यहाँ पे अरेंजमेंट हुई है भाई म्यूज़िक की, ऑर्डर प्लेस कर दिया है और थोड़ा टाइम लगेगा इसके आने में, तो बस वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये आ गई है हमारी बीफ टिक्का, सीखें जो है बहुत मज़े की। कोयला नीचे रखा हुआ है, हाँ कोल है ताकि वो वार्म रहे। उमर ले लो। साथ उन्होंने चटनी दी है, ये मैंने सीख से एक बोटी निकाली और इतनी सॉफ्ट है, ट्राई करते हैं। यह है जी काबुली पुलाव, चपली कबाब, नान और हांडी रेडी हमारी। ये आ गई है शनवारी, चपली कबाब टेस्ट करते हैं। कैसा है खाना? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का था। कबाब तो हमने खाए हुए थे, बहुत ही मसाला बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छे कबाब बने हुए थे। शनवारी तो A1 और पुलाव भी बहुत शानदार था और बोटियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत गली हुई थी, हाँ बहुत गली हुई, सॉफ्ट और खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा, बड़ी जूसी भी थी, हाँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हीटर चल रहा है तो बाहर ऊपर से देख के सब खुला हुआ है, साइडों से भी खुला हुआ है और यहाँ हीटर चल रहा है, वहाँ पीछे आग जल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडक भी इंजॉय कर रहे हैं और हीटर की जो गर्मी आ रही है उससे तो और मज़ा आ रहा है। तो अभी मैंने जाना है, कहाँ जा रहे हैं? कोसार मार्केट। अच्छा, तो बस अब खाना खा लिया है तो अब बस फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, अब जाएंगे कोसार मार्केट, होपफुली जो मुझे अपनी कोरियन चीज़ें चाहिए वो मुझे मिल जाएंगी। और मेरी टांगें इतनी सोर हुई हैं, मेरा लेग डे था कल और अब मुझे चला भी नहीं जा रहा। हमने जाना था कोसार मार्केट और उमर आ गया है बेवरली सेंटर और उसने लेनी है यहाँ से कुकीज़। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कैरमल यहाँ पे होता था, कैरमल अब ख़त्म हो चुका है। आई डोंट नो, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू गो टू लेयर्स। तो बस थोड़ा सा मीठा भी इन्जॉय करते हैं। बहुत अरसे बाद मैं अम्मा और उमर बाहर निकली, यूजुअली हम आते निकलते रहते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वी गो फॉर आइसक्रीम और वो भी घर के करीब करीब। और आज बड़ा सडन प्लान बना के भाई चलते हैं, जाते हैं, कुछ इन्जॉय करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फूड, आई थिंक इट्स अबाउट द कंपनी और फैमिली टाइम, जितना आप स्पेंड कर रहे हो साथ आपकी गपशप लग जाती है और एक एम्बियंस चेंज हो जाता है तो इंसान वो भी इन्जॉय कर लेता है और घर बैठ के भी थोड़ा सा इंसान थक जाता है, तो यू नीड अ चेंज एंड अ शिफ्ट ऑफ रूटीन। तो अच्छा लगा आज हम बाहर आए। और जी अम्मा बहुत ही मज़ा आया है और अभी उमर कह रहा था कुछ मीठा खाना, मैं तो इतना फुल हो गई हूँ कि मैंने कहा भाई मीठे की तो कोई गुंजाइश नहीं है, कुकी वगैरह तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत कम। जैसे हम जमील जा सकते थे गुलाब जामुन या रसमलाई के लिए, मुझे इस वक्त मीठा की कोई क्रेविंग नहीं हो रही, आपने खाना है तो खा लो, तो मुझे तो वैसे ही बहुत मज़ा आया। डैडी के लिए कुल्फी ले लेते हैं। हाँ कुल्फी ले लो, वो खाते हैं शौक से। वैसे अभी अभी अम्मा ने बनाई है बड़े मज़े के गुड़ वाले चावल और इतने यूनिक से हैं, उसमें उन्होंने डाली है चने की दाल। आई यूजुअली डू नॉट लाइक चने या दाल शाल, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, और वो भी मीठे के अंदर मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और डैडी ने भी भाई दूसरी प्लेट ली और उन्होंने फरमाइश की मुझे और दें, तो बड़ी अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर चेकआउट करें। ये भाई हमारी कुकीज़ भी आ गई हैं। Guys, I'm here और यहाँ पे सारी AM grocers, GN stores, farm fresh, जहाँ से मुझे मशरूम चाहिए थे सब बंद हो गया, सिर्फ ईसा जी खुला हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या मिलता है।
आई कैन सीम टू फाइंड द मशरूम्स हियर, वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं। किमची चाहिए है और डम्पलिंग्स वगैरह वो चेक करते हैं ना। मुझे मशरूम्स, डम्पलिंग्स, टोफू कुछ नहीं मिला, ये डम्पलिंग की शीट्स मिली हैं, ये मैं यूज़ कर लूँगी सुबह मेरी होम मेड डम्पलिंग्स। और ये किमची मिली है, दूसरी भी थी बट ये बहुत वॉटरी लग रही है। दिस लुक्स अ लिटिल बिट बेटर, आई एम नॉट श्योर हाउ इट टेस्ट्स, बट ये ले लेते हैं। हेलो गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे एंड आई लेफ्ट यू गाइस एट द ग्रोसरी शॉपिंग पार्ट। मैंने चीज़ें ले ली थी एंड देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई विल बी मेकिंग टुनाइट विद माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम एट हर प्लेस राइट नाउ एंड वी हैव अ वेरी फन डे प्लान। अभी हमने जाना है गीगा मॉल एंड वी आर गोइंग टू हैव सम फूड। अभी आंटी हमें बहुत बहुत मज़े के पराठे, ऑमलेट और चाय हमने खाई है एंड आई एम सॉर्ट ऑफ चीटिंग अ लिटिल बिट टुडे व्हिच इज़ ओके बट इन अ वेरी मॉडरेट अमाउंट, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खा रही हूँ। सो वी गोइंग टू हैव प्लान किया हुआ है हमने कि हम थोड़े से बीफ बर्गर्स खाएंगे व्हिच इज़ रियली हार्ड टू फाइंड हेयर। मैं जब दुबई गई थी तो हमने फाइव गाइस से खाए थे तो मेरा दिल है कि मैं उस टाइप का हमें कुछ मिल जाए यहाँ पे, तो वील ट्राई दैट एंड देन वी हैव टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर ग्रोसरी शॉपिंग जो कि हमने लेनी है, वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे और जो बड़ी स्टार रेसिपी है वो रात को आपके साथ शेयर करेंगे। वेयर फाइनली हेयर गाइज, वेयर इंसिग्निया और यहाँ पे लगा हुआ है डिस्काउंट एंड आई रियली लाइक दीज पम्प्स, बड़े प्यारे हैं। आई डिडंट गेट दो शूज बिकॉज दे नॉट वर्थ इट, प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड दे नॉट दैट कम्फर्टेबल बट प्यारे बहुत थे। तो अब मुझे जाना है क्रॉस स्टिच टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। अच्छा सो वेयर क्रॉस स्टिच में यहाँ पे 50% और 40% फ्लैट ऑफ लगा हुआ है। एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा है लिनन का, बट मेरी फ्रेंड के लिए कि अम्मा हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक सूट्स तो हम कुछ और देखते हैं। तो ये एक पिंक में है, दिस इज़ खद्दर और साथ उसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा का पैच। सो आई एम थिंकिंग टू गेट दिस वन की प्राइस थी 6000 समथिंग, ये 3000 समथिंग का हो गया, खद्दर का ही दुपट्टा है एंड दिस स्क्रीन ऑल्सो लुक्स रियली नाइस, ये भी अच्छा लग रहा है, इसकी पूरी नेक लाइन पर एम्ब्रॉयड्री है। एक ये मुझे टू पीस लिनन का बहुत अच्छा लगा है, ये मैंने अपने लिए लिया है और अम्मा के लिए एक एम्ब्रॉयड्री वाला ड्रेस लिया जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस है और इसके गले पे पैच दिया हुआ है, साथ आई थिंक शॉल सी है, कलर थोड़ा डिफरेंट था तो ब्लैक ही ऑप्ट किया ये लिया। वी आर हियर एट द फूड कोर्ट नाउ और ये हाउडी के बेस्ट ऑप्शन है बीफ बर्गर्स की, उनका ये वाला बीफ बर्गर बड़ा अच्छा लग रहा है तो वी ऑर्डर्ड इट। हमारा फर्स्ट कोर्स आ गया है पास्ता एक्सप्रेस से, वी ऑर्डर्ड सम गार्लिक ब्रेड और साथ ही मैक एंड चीज़ ऑर्डर किया, लेट्स सी हाउ इट इज। बहुत ही कोई क्रीमी जूसी चीज़ी है ये, ट्राई करते हैं। गाइस इज एक्चुअली सो गुड, माई फ्रेंड एंड आई लव इट। और इसका अभी सेटअप हुआ है गीगा में और पास्ता एक्सप्रेस नाम है एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर द प्राइस एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। हाउडी से भी मील आ गया है, दिस इज़ आर बीफ बर्गर और ये टॉर्टिया रैप है, लेट्स टेस्ट हाउ इट इज। गाइस सो वी गॉट डन विद आवर लंच, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। नाउ वी आर एट कारफोर, हमने रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, हमें डिश रात को बनानी है तो वी सर्च फॉर देम, होपफुली वो मिल। वी आर सर्चिंग फॉर डम्पलिंग्स, मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक हमें पेपर ही यूज़ करना पड़ेगा। और जो हमने कोरियन स्टू बनाना था इट्स बेसिकली कॉल्ड बुदे जिगे और ये बनता है रामन से। आई हैव सॉसेजेस हियर, मेरे पास चीज़ के स्लाइसेस हैं, आई हैव ग्रीन अनियंस, ये मैंने ली थी शूप की, कोरियन नूडल्स हैं तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे, रेगुलर नूडल्स हैं, सोया सॉस है, आई हैव गोचुजांग जो कि कोरियन पेस्ट होता है, स्पाइसी पेपर पेस्ट होता है एंड सीवी साथ हम इसमें सर्व करेंगे। देन आई हैव टोपोकी व्हिच आर राइस केक्स और साथ किमची है जो मैंने उसमें ली थी एंड ये मेरे पास चिकन क्यूब्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी किमची। किमची बेसिकली फर्मेंटेड कैबेज होती है जो बेसिकली से देसी में, अगर देसी तरीके से मैं बोल दूँ कि कोरियन अचार होता है, तो थोड़ा सा मैं इसमें बोल में ऐड कर दूँगी। अभी हम सॉस बना रहे हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, मैं लाइट वाला सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ दिस पेस्ट, चला गया टेबल। और अब मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे एंड ऑलरेडी मैंने इसके अंदर थोड़े से चॉप गार्लिक लिया था और रेड चिली पाउडर लिया था तो इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने अपना रखा हुआ है इलेक्ट्रिक स्टोव और इसमें मैंने पॉट के अंदर डाल दिया है अराउंड 1 जग ऑफ वाटर और जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो गया थोड़ा और बबल हो जाएगा तो फिर हम सॉस ऐड करते हैं। पानी बॉईल हो गया है, अब मैं ये जो हमने सॉस बनाई थी ये ऐड कर रही हूँ इसमें
से स्टर कर लेंगे। अब मैं इसमें ये वाली नूडल्स ऐड कर रही हूँ, इसका टेस्ट नहीं करनी, मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ नूडल्स जाएंगी। अब ये वाले सूप नूडल्स ऐड कर रही हूँ, आप कोई से नूडल्स ले सकते हैं जो आप पसंद है। दिस गोज इन, मैं एक जो रेगुलर वाली नूडल थी उसका ये टेस्ट मेकर ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये डाल रही हूँ राइस केक्स। नेक्स्ट इसमें ये सीवीड ऐड कर रही हूँ, इसके बड़ा अर्थी सा टेस्ट होता है, इसको थोड़ा सा मैं तोड़ के डाल दूँगी इसमें। ये सॉसेजेस कैनन्स के हैं और इसको मैंने माइक्रोवेव ओवन में हीट अप कर लिया था डिफ्रॉस्ट करने के लिए, और इसे इस तरह से कट कर लिया है, जब ये बॉयल हो जाएंगे तो ये ऑक्टोपस शेप बना लेंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ग्रीन अनियंस ऐड कर रही हूँ, इसको स्टर करते जाएंगे ना, लेट इट कुक फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। अब तक नूडल्स भी हो जाएंगी और ये जो हमने राइस केक्स डाले हैं ये भी कुक हो जाएंगे। हमारी नूडल्स भी कुक हो गई हैं, राइस केक्स भी कुक हो गए हैं, और ये क्यूट सी सॉसेजेस का ये ऑक्टोपस शेप आ गई है। अब मैं इसमें 2 eggs मैंने क्रैक कर ली थी इसके अंदर डाल दूँगी, और इसे हम कुक करने देंगे कवर लगा के। हमारे एग्स भी कुक हो गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब बस लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 3 slices of चीज़ एंड आई कवर विद द लिड, और ये तैयार हो जाएगा। गाइस आवर स्टू इज ऑलरेडी, चीज़ भी सही मेल्ट हो गई है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ लाइट स्टर एंड दैट्स इट, नाउ वी आर गोना सर्व इट। A little bit of the egg, thoda sa soup and some sausages. That's it. Now we're going to eat. Guys, I'm back home and I had a great day out with my friend. हमने बहुत मज़े का स्टू बनाया, एंड फॉर ऑल दोस के ड्रामा लवर्स उनको पता होगा कि ये कोरियन स्टू क्या होता है एंड हाउ गुड इट एक्चुअली टेस्ट। तो अगर आपके पास इंग्रीडियंट्स हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल बी मीटिंग यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।